हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की, जो है 2.6, और उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 8x-3/3x=2। तो देखिए, जो आज की हमारी एक्सरसाइज है उसमें जो मेन चीज़ है, मतलब जो बाकियों से अलग है, वो क्या है, वो है कि जो देखिए अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन सोल्व की है वहाँ पे राइट है, ये मतलब जो वेरिएबल था, देखिए जो बिल्कुल सबसे पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने सोल्व किया था कि वेरिएबल जो है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में था। उसके बाद 2.3 जब हमने सोल्व की तो उसमें वेरिएबल दोनों साइड था, और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज हमने सोल्व की उसमें भी वेरिएबल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में था, और साथ में वहाँ पर हमें एलसीएम का यूज़ करना था। आज जो हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे यहाँ पर क्या है कि जो वेरिएबल है वो एक ही साइड दे रखा है आपको, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है, लेकिन वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के केस में दोनों जगह पर आपको वेरिएबल दे रखा है। अब तक की जो हमारी एक्सरसाइजेज थी वहाँ पर, जैसे कि इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज हमने सोल्व की है वहाँ पर वेरिएबल अगर था दोनों साइड या फिर अगर एक साइड था तो वो सिर्फ न्यूमरेटर में होता था। अब क्या है कि वो डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। सो यहाँ पर सिंपल स्टेप हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में ही, पहले में तो आप क्या करोगे, जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ लिखोगे। उसके बाद जो आपको करना है वो क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड में वो तो चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है उसके साथ। सो यहाँ से क्या होगा, अब किसी भी चीज़ की वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 8x-3 रहेगा एज इट इज़ इक्वल टू, ऑलरेडी वहाँ पर क्या है 2, और उसके साथ मल्टीप्लाई में जा करके क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अकेला 3x था तो सीधा 3x क्या हो गया उधर जाके मल्टीप्लाई में, हमने क्या किया है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व किए थे कि 8x-3, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। सो 3x-2 कितना हो जाएगा 6x। अब क्या करना है, वेरिएबल जो है उनको इकट्ठा करना है, 8x 6x इस साइड आकर के माइनस में, ऑलरेडी यहाँ पर 3 किस में है माइनस में, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, 8x-6x कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, उस साइड चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है तो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाकर के इसके साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब x के साथ 2 किस में है मल्टीप्लाई में है, सो अकेले x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3/2। सो x इज इक्वल टू 3/2, दैट्स आवर आंसर, क्लियर। तो इसी तरीके के हैं हमारे जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो सिंपल इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। देखिएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर आपको दिखा सोल्व करना है 3y+4/2-6y = -2/5। सो ये आपको सोल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड सॉरी जो राइट हैंड साइड है वहाँ से जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ। सो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अब किसके साथ, यहाँ पर देखिएगा 3y+4, ब्रैकेट लगाना आवश्यक है, क्यों, क्योंकि अगर आप सिंपल 5 की मल्टीप्लाई का साइन लगा करके आगे ये लिख दोगे 3y+4, तो उसका मतलब होगा कि 5 की मल्टीप्लिकेशन हम सिर्फ 3y के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमें कंप्लीट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इसलिए कंप्लीट न्यूमरेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट वहाँ पर लगानी पड़ेगी। और इधर यहाँ पर क्या है, -2 ऑलरेडी है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, ये कम्प्लीट यहाँ से उधर जाएगा, जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो कहाँ पर आएगा,
राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ। सो यहाँ पर दो टर्म हैं तो इनको हम ब्रैकेट में लेंगे, 2 माइनस 6 वाई। अब इसको सोल्व करो पहले, अब आपकी मर्जी है, या तो इसको सोल्व करो या फिर इसको इस साइड लेके आ सकते हो। सो वो आपकी इच्छा है। 5 3 जा 15 वाई प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू -2, की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, -4। और -2 की -6 वाई के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। और 6 2 जा 12 वाई। अब क्या करो, जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड, ऑलरेडी यहाँ पर 15 वाई है, सो 12 वाई उधर प्लस में है, इधर आ करके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, -4। और जो 20 यहाँ पर प्लस में था वो दूसरी साइड चला जाएगा, वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -20। क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ से वेरिएबल वालों को एक साइड कर लिया और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर लिया। उसके बाद 15 माइनस 12, दोनों वाई है तो यानी कि माइनस वहाँ पे हो जाएगा, 3 वाई इज इक्वल टू देयर -24, बिकॉज दोनों के दोनों माइनस में हैं, सो आंसर माइनस में होगा और हो जाएगी यहाँ पर एडिशन। सो वाई की जब हम वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई इज इक्वल टू -24 डिवाइड बाई 3, और 3 इसको डिवाइड करेगा कितने पे, 8 पे, सो -8 इज योअर आंसर। क्लियर? सो दैट्स हाउ यू विल सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ जो क्वेश्चन है, अब आप वो स्वयं सोल्व करोगे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन वहाँ से खुद बनानी है। तो देखिएगा कि क्या स्टेटमेंट आपको दी गई है। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। कि जो हरी और हैरी है उनकी जो एज का रेशियो आपको दे रखा है वो क्या है, 5:7 है, जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हरी की जो एज होगी हम उसको क्या मानेंगे, कॉमन रेशियो, आप अपनी मर्जी से ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान के 5x हो जाएगी। और हैरी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, 7x। तो सबसे पहले आप जो भी आपको फर्स्ट लाइन से आपको इक्वेशन मिली है या फिर जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको इक्वेशंस के रूप में लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि क्या दे रखा आपको, रेशो दे रखा है, तो आप लिखोगे गिवन रेशो ऑफ एजेस ऑफ हरी एंड हैरी इज इक्वल टू 5:7। उसके बाद लेट द कॉमन रेशियो इज, हमने कॉमन रेशियो मान लिया, मान लेते हैं कि वो वाई है। उसके बाद सो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 5y, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी वो क्या हो जाएगी, 7y। क्लियर? इतना हमें अभी तक फर्स्ट लाइन से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि क्या है, 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद, यानी कि आज जितनी उम्र है उसके 4 साल बाद की जिक्र हो रहा है। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, 4 साल बाद की जो उम्र होगी उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। तो यानी कि आज से 4 साल बाद की उम्र हमें निकालनी पड़ेगी, जैसे पहले एजेस वाले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 years फ्रॉम नाउ यानी कि, या फिर आफ्टर 4 ईयर, ये एक ही बात है। तो आज से 4 साल बाद क्या हो जाएगा, एज ऑफ हरी विल बी कितनी हो जाएगी, आज कितनी है हरी की, 5y, तो और 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5y प्लस 4। क्लियर? उसके बाद अब एज है तो ईयर्स में, नेक्स्ट क्या है कि 4 साल बाद एज ऑफ हैरी विल बी,
हैरी की उम्र कितनी हो जाएगी आज से 4 साल बाद, आज कितनी है 7y, सो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 7y प्लस 4 ईयर्स, क्लियर। उसके बाद आपको नेक्स्ट दे क्या रखा है कि जो आफ्टर 4 ईयर या 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज, जो उनकी उम्र है जहाँ पे क्या है उनकी उम्र ये वाली, तो इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, विल बी 3:4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपको क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इनका रेशियो कौन, किसका रेशियो, 4 साल बाद की उम्र का रेशियो। 4 साल बाद की उम्र हमने निकाल ली है, तो 4 साल बाद की उम्र का रेशियो आप दिखा दो कि 5y + 4 रेशियो है, तो हमें उसको किसके रूप में लिखेंगे, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं 7y + 4 ईयर्स इज इक्वल टू, रेशियो किसके इक्वल दे रखा है 4 साल बाद, 3:4। 3:4 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3/4 के रूप में। तो अब यहाँ से क्या होगा, ईयर से ईयर्स कैंसिल, क्योंकि सेम साइड वालों में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर को कैंसिल किया जा सकता है अगर वहाँ पे कुछ भी सिमिलरिटी है, कुछ भी कॉमन है उनके बीच में तो। और उसके बाद अब ये सिंपल क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसके जैसा अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 5y + 4 डिवाइड बाई 7y + 4 इज इक्वल टू 3/4। अब इसको क्या करोगे आप, इन क्वेश्चंस के हिसाब से सोल्व करोगे, सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5y + 4 के साथ कंप्लीट के साथ, और उसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7y + 4 के साथ, और वहाँ से जब हम सोल्व करेंगे आपको y की वैल्यू मिलेगी। उस y की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी तो आपको निकालना क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फिर उस y की वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, इन इक्वेशंस में जहाँ पर आपको आपने प्रेजेंट एज उनकी माननी थी। तो प्रेजेंट एज हैरी की कितनी हो जाएगी, जो y की वैल्यू है उसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई आप करोगे, और जो हरी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, सॉरी हरी की हो जाएगी 5y और हैरी की हो जाएगी 7 के साथ उसकी मल्टीप्लाई, जो भी y आपको यहाँ से सोल्व करने के बाद जो मिलेगा, क्लियर। सो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इस केस में कि y की वैल्यू क्या आएगी आपको सोल्व करने के बाद, यही आनी चाहिए सभी बच्चों की। सो सोल्व करने के बाद आपकी y की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 4 होनी चाहिए सभी की, जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे यहाँ से आगे फर्दर सोल्व करोगे। सो उसके हिसाब से y की अगर 4 आ जाएगी तो फिर दोबारा से आप लिखोगे कि सो प्रेजेंट एज ऑफ हरी, ये कंप्लीट लाइन लिखोगे, इज इक्वल टू 5 × 4 इक्वल टू 20 ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7 × 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। सो क्योंकि एज है तो आप एज की यूनिट हम नॉर्मली क्या मानते हैं, ईयर्स में मानते हैं, तो इसको भी आप कंसिडर करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट, अब है लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का और आपके चैप्टर का, वो है, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पर क्या है कि द क्या दिया गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। यहाँ तक क्या बोला गया है कि द डेनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद जो उसका डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो है, ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर, वो बड़ा है किससे, देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से कितना बड़ा है, बाई 8, 8 ज़्यादा है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल क्या होते हैं, जब दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है उनमें से एक छोटी और बड़ी है, तो हम किसको शुरू में लेट करते हैं, स्मॉल वाले को। तो हम क्या करेंगे कि लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर छोटा है, सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कोई रैशनल नंबर है जिसका हमें नहीं पता, रैशनल नंबर जो हमें निकालना भी है लास्ट में, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स, न्यूमरेटर को हमने एक्स मान लिया क्योंकि ये छोटा है। अगर न्यूमरेटर को हमने एक्स माना है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेनोमिनेटर क्या है, डेनोमिनेटर जो है ग्रेटर है, बड़ा है देन इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से कितना बड़ा है, 8, और एक्स से 8 ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8। तो हम क्या बोलेंगे, सो द डेनोमिनेटर of the rational number
क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एट, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है। उसके बाद कंडीशन दी गई है कि इफ, यदि, इफ मीन्स अगर ऐसा हो जाए, कैसा, द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, एक्स, अगर उसको तो इंक्रीज कर दे, किससे, 17 से, यानी कि 17 ज़्यादा इंक्रीज करने का मतलब, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें 17 हमें क्या करना है, ऐड करना है। भाई अगर न्यूमरेटर में तो हम ऐड कर दें एक्स, और साथ में क्या है, एंड द डेनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, और डेनोमिनेटर जो है उसमें से हम क्या कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो हमें नंबर मिलेगा नया वो क्या हो जाएगा, 3/2। तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया है कि देखिए जो नंबर है हमारा, अब नंबर क्या बना हुआ है, न्यूमरेटर क्या है एक्स, और डेनोमिनेटर क्या है एक्स प्लस एट, कि अगर इसके न्यूमरेटर में से, इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम, कि क्या है, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, कि न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देते हैं किससे, 17, इंक्रीज करने का मतलब ऐड कर देते हैं इसमें कितना, 17, एंड द डेनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज यानी कि कम करना है, कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, और कितना, 1, द नंबर ऑब्टेन ऑब्टेंड इज 3/2, ऐसा करने से जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या है, 3/2। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको निकालना है रैशनल नंबर, भाई कौन से रैशनल नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे पहले, सबसे पहले तो इसी को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे दो नंबर है, और नंबरों को तो हम आपस में सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, एक्स प्लस 17 डिवाइड बाई एक्स, अब 8 प्लस में है, प्लस का है, और 1 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगी, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स प्लस 17 के साथ, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7 के साथ। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 37 जो 21। यहाँ से क्या करेंगे हम, x वालों को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, नंबर रखते हैं इस साइड 34, 21 इधर आकर के माइनस में इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x तो वहाँ पे ऑलरेडी है इक्वल टू के दूसरी साइड, 2x इधर जा कर के माइनस में। तो यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 34 माइनस 21, तो आंसर आ जाएगा आपका 13, और यहाँ से 3x माइनस 2x हो जाएगा x, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 13। अभी आपको बताना क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर, कौन सा, जिसके बारे में हमने शुरू में जिक्र किया था। तो अब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे जो इक्वेशन हमने बनाई थी, सो द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, लिखोगे आप दोबारा से, न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, एक्स जो कितना है 13, एंड डेनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीट आप लिखोगे वो क्या है, एक्स प्लस 8, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 21। तो यानी कि सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज कितना है, 13 डिवाइड बाई 21, क्योंकि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर को ऊपर लिखा जाता है, डेनोमिनेटर को नीचे, तो 13/21 इज योर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, दैट्स योर आंसर, एंड दैट्स इट, चैप्टर समाप्त आपका। अभी आपको आज के लिए मिलेगा यही 2.6 आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद कल आप इसी एक्सरसाइज को आगे इसी चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करोगे जो आपकी बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास भेज दिए जाएंगे। सो
देन बाय, और उनमें जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप नेक्स्ट डे इसी लेक्चर, जो ये वीडियो लेक्चर आपको अभी दिया जा रहा है, इसके कमेंट में आप छोड़ सकते हो। सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं उनका सॉल्यूशन करके वीडियो बना करके आपके पास भेज देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, बाय बाय स्टूडेंट्स।